नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भागलपुर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर एक पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका है। 2 साल ही हुए थे इस पुल को बने हुए कि ये पुल जो है एक बार फिर से धाराशाही हो चुका है। और आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों पुलों के गिरने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। लगातार दिन ब दिन पुलों के गिरने की खबरें आती रही है, तो वही अब एक बार फिर से भागलपुर से पुल के गिरने की ये खबर जो है वो सामने आई है। बिहार में एक बार फिर भागलपुर में पुल ध्वस्त हो गया है। आपको बता दें कि इस बार पीरपैंती आई बाढ़ की पानी में पुल ये जो है वो बह गया है। घटना पीरपैंती प्रखंड की बाबूपुर बाखरपुर पूर्वी पंचायत की है। जानकारी के अनुसार चौखंडी पुल बाढ़ की पानी में ध्वस्त हो गया है। गुरुवार से ही इस पुल पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पुल ध्वस्त होने के ग्रामीणों की समस्या जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। 2 साल पहले ही ये पुल बनकर तैयार हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पुल जो है वो बहुत पुरानी नहीं है। 2 साल पहले ही ये पुल बनकर जो है वो तैयार हुई है। 2 साल पहले PW की ओर से चौखंडी पुल का निर्माण जो है वो कराया गया था। इस पुल के गिरने से प्रखंड मुख्यालय का जिला से संपर्क जो है वो टूट गया है। करीब 1 लाख की आबादी का आवागमन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जो है वो पहुंच गई, लेकिन प्रशासन अधिकारी नहीं पहुंचे। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो बता दें आपको कि ये पुल जो है वो महज 2 साल पुरानी है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पुलों के गिरने की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में कुछ भी कहना फिलहाल गलत साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से पुलों के गिरने की जो सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन जो है, जिला प्रशासन लगातार जो बातें अगर कही जाए तो वो देखने तक नहीं आते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है, एक बड़ी आबादी है वहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा है। पुलों के गिरने की बात जो है उसको लेकर सरकार की भी काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों फजीहत हुई थी, लेकिन अभी तक लोग वहां पे नहीं पहुंचे। हालांकि ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि महज 2 साल ही पुरानी ये पुल थी, कैसे धाराशाही हो गई, कैसे एक बार यहाँ पानी जो है वो आया और अचानक से ये पुल जो है वो धाराशाही हो गया। तो आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों पुलों के गिरने की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है, और इससे लोगों के मन में खासा आक्रोश है। फिलहाल वो लगातार लापरवाही की बात कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल ही पुरानी ये पुल जिस तरह से ध्वस्त हुई है, ऐसे में लापरवाही ही इसे कहेंगे, क्योंकि आखिर ये कैसे किस तरह बनाई गई थी, PW की ये पुल थी बनाई गई और उसके बाद जिस तरह से ये धाराशाही हुई है, ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से सरकार से ये लोग बड़े पैमाने पर पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुल जो है जिस तरह से बन रहा है, कहीं निर्माणाधीन पुल गिरते हैं तो कहीं 2 साल पुरानी ही पुल जो है वो गिर जाती है। तो ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई मौके पर नहीं पहुंचा है। लोगों में खासा आक्रोश है, संपर्क टूट गया है, आवागमन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। तो ये तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जिसको हमने आप तक साझा किया है। तो फिलहाल क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है और किस तरह से लोगों के आवागमन को कर एक बार फिर से एक नए रास्ते निकाले जाते हैं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे में अब लापरवाही की पोल जो है वो खुलती नजर आ रही है कि आखिर टेंडर किसे दिया जा रहा है, उसमें किस तरह की गुणवत्ता का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस तरह से पुल जो है हल्की बारिश पे ही इस तरह से धाराशाही होते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल ये खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, जिससे हमने आपको अपडेट कराया। फिलहाल इस पर क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।